करनाल स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में 40 लाख रुपए की लागत से गन्ना टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है। इस लैब का उद्घाटन राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के निदेशक बख्शीराम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस लैब की स्थापना से उत्तर पश्चिमी राज्यों के गन्ना किसानों को काफी फायदा होगा और उन्हें बीमारी रहित व अधिक उत्पादन देने वाले बीज की किस्में उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने बताया कि टिश्यू कल्चर विधि से प्रजनन करने पर बीज स्वस्थ हो जाता है और उसमें किसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता, इससे किसानों का दवा का खर्च कम होगा। आज हमने इस केंद्र के ऊपर जो टिश्यू कल्चर लैब है, माइक्रो प्रोपेगेशन लैब है, उसकी शुरुआत की है। उसका फायदा ये होगा कि जैसे ये गन्ने का ऊपरी हिस्सा है, इसके गन्ने का नीचे वाला हिस्सा तो बीज के अंदर वैसे ही आम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो अगोला जो चारे में यूज होता है उसको भी कैसे फास्टर मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा तेज़ी से बीज तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ये लैब खोला है। तो इस विधि से वायरस भी जो है, मुझे कहे येलो लीफ डिजीज है उसका जो वायरस है, उसको भी इस विधि से बिल्कुल ख़त्म करके हेल्दी जो पौधे हैं, बीज है, वो तैयार होगा जो कि किसानों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक ने बताया कि क्षेत्रीय केंद्र करनाल गन्ना किसानों को अपनी फसल से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी देगा, जिससे उनकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। संस्थान में गन्ने से गुड़ व शक्कर तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर रसायन रहित गुड़ बनाने की इकाई शुरू हो चुकी है। उससे फायदा है, शुद्ध प्रोडक्ट मिलना आजकल, अदरवाइज तो आप मार्केट में देखते होंगे बिल्कुल सफ़ेद जैसे रंग का गुड़ या शक्कर मिलती है। इसका मतलब ये है कि जितना वो सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है उतना ही ज़्यादा केमिकल उसमें इस्तेमाल किया गया है।